तो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप कंफर्म करेंगे कि वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। आप लोग कंफर्म करेंगे एक बार कि वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही। चलिए, वॉइस क्लियर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को। किसको? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को। बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार है। और अवनी बाबू के जो कुछ एक महत्वपूर्ण शिष्य थे, जिन जो बहुत क्लोज थे उनके, उनमें से एक थे, जिनमें नंदलाल बोस, आसित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे, तो ये कुछ बहुत ही क्लोज उनके शिष्य थे। उनमें से एक थे मजूमदार साहब, और बेहद ही शांत और सरल स्वभाव के थे। इसीलिए इनको संत कलाकार भी कहा जाता है, कट्टर वैष्णव भी कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण और उनके परम उपासक चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त और फॉलोअर थे। ठीक है ना? बड़े ही शांत और सरल स्वभाव के थे, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के थे, और लंदन आर्ट कॉलेज ऑफ लंदन के जो डायरेक्टर रहे हैं, रोथनस्टीन साहब, कहते थे कि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के अंदर उनको बुद्ध जैसा एक शांत प्रिय व्यक्ति नजर आता था। ठीक है ना? तो ये इनकी जो है, इनके बारे में एक छोटी सी आप परिचय इनका समझ सकते हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के थे। ठीक है ना? बचपन में माता का देहांत हो गया तो पिता ने देखभाल किया पूरे बचपन में। पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बड़े आदमी थे, लेकिन जो है अंतर्मुखी प्रवृत्ति के जीवन भर रहे मजूमदार साहब। सुबह क्लास हुई थी, ठीक। तो चलिए, इनसे संबंधित कुछ सवाल को देखते हैं और उसको हल करते हुए हम लोग चलेंगे। आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखेंगे। पहला सवाल, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है मुर्शिदाबाद में, ऑप्शन बी है मुंगेर में, ऑप्शन सी है दीमापुर में, ऑप्शन डी है ढाका में। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ? रेखा गुप्ता जी का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। मुझे उम्मीद है कि आपने एक पेड़ लगाया होगा। हाँ, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ? चलिए, कहाँ हुआ पर बाद में आते हैं, सबसे पहले इस पर आते हैं कि कब हुआ। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म कब हुआ, किस वर्ष हुआ? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ साथियों 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहां पर? मुर्शिदाबाद में। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा। इनका जन्म कहां हुआ? मुर्शिदाबाद में हुआ। ठीक ठाक परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक या दो वर्ष की आयु में ही इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनका लालन पालन पोषण इनके पिता के जिम्मे था, जिन्होंने बखूबी इसको निभाया। पढ़ने लिखने में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी नहीं, शुरुआत से ही कला प्रवृत्ति इनके अंदर ज़्यादा थी। तो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, स्कूल एक आध बार गए और भाग गए, स्कूल जाने में इनकी रुचि ज़्यादा थी नहीं। हालांकि इनके पिता चाहते थे कि ये कला के क्षेत्र में ना जाएं, क्योंकि उस समय
कला को उस दृष्टिकोण से देखा जाता था कि इसमें पैसे नहीं है, जिनके पास पैसा रुपया नहीं होता वो इसमें जाते हैं, तो बड़े लोग हैं वो अपने डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, काहे जाएंगे कला में जो है दो दो रुपए का पेंटिंग बेचने के लिए। ये उस समय की बात है। तो इनके पिता ये नहीं चाहते थे कि ये कलाकार बने, लेकिन इनके गांव के एक जमींदार थे जो कला प्रेमी थे और एक थिएटर चलाते थे, तो उनका अपना खुद का लालच था कि अगर मजहूम दरबा पढ़ जाएगा ना कला, तो आकर के हमारा कुछ नहीं करेगा तो कम से कम हमारे थिएटर का पोस्टर और पे जो उसका पर्दा है वो तो रंग देगा। तो उनका अपना जुगाड़ था, उन्होंने पिताजी को मना लिया और पिताजी ने भेज दिया इनको कला की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है ना। हाँ चलिए, तो अगला सवाल है कि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में कब दाखिला लिया। तो कहानी यहीं तक पहुंची थी ना कि अब कला पढ़ेंगे, तो कला पढ़ेंगे, तो कला पढ़ने के लिए मैंने कहा था कि अगर कोई उड़ीसा, बिहार, बंगाल, बांग्लादेश का है तो कला कहाँ पढ़ेगा, कलकत्ता आर्ट कॉलेज में पढ़ेगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर कोई मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का है तो बहुत संभावना है, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का है, बिहार का है, तो बहुत संभावना है कि वो लखनऊ आर्ट कॉलेज जाएगा। तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में दाखिला कब लिया? 1903 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, या 1911 ईस्वी में? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में दाखिला कब लिया? चलिए फटाफट सभी लोग रिप्लाई करेंगे। हाँ, तो कलकत्ता आर्ट कॉलेज में 1905 में नंदलाल बोस साहब आए, 1906 में हालदार साहब, 1905 में ही मजूमदार साहब आते हैं, और आप सानिध्य देखिए कि कौन कौन लोग हैं उस समय। तो 1905 में इन्होंने दाखिला लिया कलकत्ता आर्ट कॉलेज में, और 1911 तक इन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया। 1905 से लेकर के 1911 तक इन्होंने अध्ययन यहाँ पर किया। तो एक सवाल पूछ जाता है कि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के कला गुरु कौन है, तो इनके कला गुरु कौन हो जाएंगे साथियों? कला गुरु अगर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? अवनी बाबू इनके कला गुरु है। कौन है? अवनी बाबू इनके कला गुरु है। ठीक है ना। क्योंकि उस समय अवनी बाबू उपप्राचार्य थे और कार्यवाहक प्रधानाचार्य भी थे। ठीक है ना, उपप्राचार्य और कार्यवाहक प्रधानाचार्य थे। ठीक है ना। और इंडियन पेंटिंग डिपार्टमेंट जो वहां पर था उसके हेड भी वो थे, तो उन्हीं के सानिध्य में इन्होंने कला सीखी और बहुत ही स्नेह करते थे क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार से अवनी बाबू। ठीक है ना। तो कला गुरु कौन हो जाएंगे? अवनी बाबू हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के चित्रों की पहली प्रदर्शनी के चित्र नहीं है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, सवाल गंभीर है। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के चित्रों की पहली प्रदर्शनी के चित्र नहीं हैं। बेहुल, डॉक्टर ऑफ माउंटेन, राधा कृष्ण, या गीते गोविंद? तो इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप जानते हैं कि 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। हाँ, आप जानते हैं बहुत बड़ा इवेंट था 1911 में, क्योंकि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, राजधानी बदली गई, तो एक बड़ा इवेंट था। जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे, तो उनके आगमन पर ही एक जो है कलकत्ता में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया लॉर्ड हेडिंग के द्वारा। तो उनके इस प्रदर्शनी में क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार भी शामिल हुए। वर्ष कौन सा था? 1911। वर्ष क्या था साथियों? 1911। 1911 ईस्वी में जो है ये प्रदर्शनी लगी। अब प्रदर्शनी लगी तो वहां पर बहुत सारे चित्रकार थे। आप सोचिए, और खुद अवनी बाबू हैं, नंदलाल बोस हैं, हालदार साहब हैं, सब बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। मजूमदार साहब भी बड़े महारथी, लेकिन दुर्भाग्य से मजूमदार साहब को जो जगह मिला प्रदर्शनी में वो एकदम किनारे कोने पर था, तो उनको जो जगह मिला वहां पर पर्याप्त उजाला भी नहीं था कि अगर कोई देखने आए प्रदर्शनी को तो देखे और वो अच्छे से चित्र का अवलोकन कर पाए। तो
घूमते घूमते अवनी बाबू मजूमदार साहब के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये आपके साथ तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आपको तो एक कोने में जगह मिली है, आपके चित्र तो बड़े मुश्किल से बिकेंगे, यहाँ पर तो उजाला भी कम है। तो मजूमदार साहब ने कहा कि अब जो भागी ने लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, तो जो ईश्वर ने लिखा है वो होगा। अच्छा ठीक है, वो इतना ज़्यादा उदास थे अपने उस स्थिति को लेकर कि उनको लगा कि मेरा नहीं बिकेगा यार। कहाँ, एक तरफ रवींद्रनाथ टैगोर, द ग्रेट रवींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग लगी हुई है, क्यों अंधेरे में कोई आएगा मेरे पास। तो वो चले गए, उसको छोड़ करके वो चले गए, अपना चित्र छोड़ करके चले गए। तो जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी उनकी पत्नी आई और उनको एक चित्र बड़ा पसंद आ गया मजूमदार साहब का, तो उन्होंने चित्र को खरीद लिया और दिलचस्पी जाहिर की कि इस चित्रकार से हमको मिलना है। तो लोगों ने बताया कि चित्रकार यहाँ पर नहीं हो, तो चला गया। तो उन्होंने कार अपना भेज करके उनको बुलाया और बड़ी सराहना की। तो अवनी बाबू इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए और खासकर मजूमदार साहब भी प्रसन्न हुए कि अवनी बाबू ने ये बड़ा बड़प्पन दिखाया और उनको ये सम्मान मिला। अब सवाल पर आते हैं, छितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्रों की पहली प्रदर्शनी के चित्र नहीं है, बेहुल, डॉक्टर ऑफ माउंटेन, राधा कृष्ण और गीते गोविंद, तो ये तीनों हैं साथियों। टोटल उन्होंने 7 चित्र लगाए थे जिनमें से ये 3 हैं, बेहुल, डॉक्टर ऑफ माउंटेन और राधा कृष्ण, ये नहीं है। तो ये सही हो जाएगा, इस सवाल का जवाब है। और जो चित्र खरीदा था उन्होंने वो डॉक्टर ऑफ माउंटेन था। क्या था? डॉक्टर ऑफ माउंटेन था। जिस चित्र के खरीदारी की मैं बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर ऑफ माउंटेन था, ठीक है ना। तो ये 3 चित्र थे उन 7 चित्रों में जिसकी प्रदर्शनी 1911 में लगाई गई थी जॉर्ज पंचम के आगमन पर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। छितेंद्रनाथ मजूमदार का पहला चित्र था, छितेंद्रनाथ मजूमदार का पहला चित्र था ध्रुव या चैतन्य का गृह त्याग, गुरु के द्वार या इनमें से कोई नहीं। छितेंद्रनाथ मजूमदार का पहला चित्र था, छितेंद्रनाथ मजूमदार का पहला चित्र था, छितेंद्रनाथ मजूमदार का पहला चित्र था। गुड इवनिंग सूरज जी, क्या हाल है। हाँ, तो मजूमदार साहब का पहला चित्र क्या था? ध्रुव की तपस्या, या उसे ध्रुव टाइटल से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन यहां पर ये सही हो जाएगा, ध्रुव की तपस्या या ध्रुव, ठीक है ना। ऑप्शन ये यहां पर सही हो जाएगा, ध्रुव, ध्रुव की तपस्या या ध्रुव, ठीक है ना, बालक ध्रुव की तपस्या, या इसको ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। इनका दूसरा चित्र था राधा का अभिसार, दूसरा चित्र उन्होंने बनाया था राधा का अभिसार। पहला चित्र उन्होंने ध्रुव बनाया था और दूसरा राधा का अभिसार बनाया था, ठीक है ना। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बालक ध्रुव की तपस्या या ध्रुव। अगला सवाल देखेंगे, छितेंद्रनाथ मजूमदार इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के शिक्षक कब बने। छितेंद्रनाथ मजूमदार इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के शिक्षक कब बने, 1922 में, 1923 में, 1924 में या 1942 में। छितेंद्रनाथ मजूमदार इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के शिक्षक कब बने। चलिए फटाफट सभी लोग रिप्लाई करेंगे। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1924 ईस्वी, 1924 में वो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के शिक्षक बने और 1924 से लेकर के 1942 ईस्वी तक वो इस पद पर रहे।
ठीक है ना, और प्राचार्य भी रहे, ठीक है ना, शिक्षक भी रहे और प्राचार्य भी रहे। तो 1924 से लेकर के 1942 तक, यानी कि 24 10 34 और 8, यानी कि 18 वर्ष तक उन्होंने सेवा अपनी यहाँ पर दी, ठीक है ना। 1942 में ये वहाँ से आते हैं और लखनऊ आर्ट कॉलेज में एक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना, एक प्रोफेसर के पद पर लखनऊ आर्ट कॉलेज में नियुक्त हो जाते हैं। तभी एक दिलचस्प बात होता है, तत्कालीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति अमरनाथ दत्त झा इंग्लैंड गए हुए थे और वहां पर एक संग्रहालय में उनको मजूमदार साहब के कुछ चित्र दिखते हैं, तो बड़ी उनकी रुचि हो जाती है मजूमदार साहब में। वापस आते हैं और राय कृष्णदास से संपर्क करके वो मजूमदार साहब को न्योता भेजते हैं, जिसको मजूमदार साहब साहर से स्वीकार कर लेते हैं और 1942 ईस्वी में अमरनाथ दत्त झा और मजूमदार साहब, इन दोनों ने मिल करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना किया। कहाँ पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना की। किसकी? कला विभाग की, ठीक है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना की अमरनाथ दत्ता और मजूमदार साहब ने, और पूरा जीवन मजूमदार साहब ने इलाहाबाद के नाम कर दिया, ठीक है ना। हाँ, इलाहाबाद बार बार कहते हैं तो डर लगता है योगी बाबा का, नाराज ना हो जाए, नाम बदल दिए हैं, प्रयागराज कर दिए। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु कब हुई? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु कब हुई? 1975 में, 1987 में, 1991 में या 1953 में? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु कब हुई? अब संस्थापक हैं तो अध्यक्ष तो रहेंगे ही, संस्थापक अध्यक्ष भी यही थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, अंडरस्टूड बात है। तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार साहब की मृत्यु हो गई 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर? इलाहाबाद में ही। एक बार फिर से इलाहाबाद बोलता हूँ, अगर कोई भाजपाई हमारे क्लास में है तो हमें माफ करेंगे। प्रयागराज बोलना चाहिए। इलाहाबाद में 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, पूरा जीवन इन्होंने इलाहाबाद के नाम ही समर्पित कर दिया, ठीक है ना। तो ये है पूरी जीवन यात्रा मजूमदार साहब की, 1891 में शुरू हुई थी, 1975 में आकर के गाड़ी रुक गई। लेकिन इस बीच में गाड़ी की जो यात्रा है वो तमाम महान कलाकृतियों से होकर के गुजरी है। ठीक है, बिल्कुल खत्म। तो साथियों, आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी और एक दिलचस्प बात इनके बारे में आपको और बताता हूँ, ये बीड़ी बहुत पीते थे, बीड़ी। हाँ तो बीड़ी बहुत पीते थे और बीड़ी पीने के लिए जो है ये छिप छिप करके भागा करते थे। तो क्लास में इनकी रुचि एक समय के बाद में नहीं रहती थी। अवनी बाबू बहुत महान व्यक्ति थे, इंसान को देख करके पहचान लेते थे। तो एक दिन क्लास में इनको तड़पता हुआ देख अवनी बाबू ने इनको बुलाया, कहा क्या बात है, तुम बीड़ी पीते हो क्या? तो इन्होंने झूठ नहीं बोला, हाँ संत विचारधारा के व्यक्ति थे, इन्होंने कहा हाँ सर मैं बीड़ी पीता हूँ। और
मुझे हर 1.5-2 घंटे पर बीड़ी की आवश्यकता होती है। तो अवनी बाबू ने जो भी वहाँ पर रोकने वाले थे, देख रेख करने वाले थे, उनको कहा कि जब इनकी इच्छा होगी तो इनको बीड़ी पीने के लिए छोड़ देना, क्योंकि क्लास में इनका मन नहीं लगता है। हाँ अब ये किस मीडियम में वर्क करते थे, वंदना जी ने पूछा, बता देते हैं। तो चूंकि बंगाल शैली के कलाकार हैं तो वास माध्यम में इन्होंने खूब काम किया है। इनका माध्यम वास रहा, ज्यादातर काम इन्होंने वास माध्यम में किया है। इसके साथ साथ इन्होंने जल रंग टेम्परा माध्यम में भी काम किया है। तो इनका दो महत्वपूर्ण माध्यम रहा है, वास माध्यम और जल रंग टेम्परा, ठीक है ना, जल रंग टेम्परा और वास। हाँ आजकल के पेरेंट्स तो तुरंत, आजकल के जो टीचर हैं पेरेंट्स को बुलाएंगे कि भैया आपका लड़का बहुत ज्यादा बीड़ी पीता है। ठीक है साथियों, तो हम लोग क्लास पे एक बार समाप्त करेंगे। क्लास थोड़ी छोटी है और इसकी वजह यह है कि आज हमने दूसरी वाली जो पेड क्लास होती है थोड़ा देर में किया है, किसी कार्य में व्यस्त था और कल भी ये व्यस्तता रहेगी। तो बाकी ठीक है, इसके आगे हम लोग मिलते हैं सुबह 8 बजे लल्लन टॉप रिविजन में। सब लोगों को उपस्थित रहना है, लल्लन टॉप रिविजन जैसा उसका नाम है तो लल्लन टॉप है भी। तो मिलेंगे हम लोग सुबह 8 बजे लल्लन टॉप रिविजन में। इस क्लास में इतना ही, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।